हेलो एंड वेलकम टू शुभांगी आर्ट वर्ल्ड। आज हम लोग मधुबनी पेंटिंग बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर इन तीनों चीज़ का यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर ब्रेस्टो के पेंट का यूज़ करेंगे। आज जो हम लोग मधुबनी पेंटिंग में बनाने वाले हैं, उसमें हम लोग फेस मोटिव बनाएंगे। चार डिफरेंट फेस बनाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, तो उस हिसाब से पहले हम यहाँ पर राजा का फेस बनाएंगे। जब हम लोग मधुबनी पेंटिंग में एक राजा को दिखाते हैं, तो किस तरह से हम लोग को राजा का फेस बनाना चाहिए वो हम यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हम अभी मुकुट बना रहे हैं। आप जानते हैं राजा होगा तो उनके सर पर ताज होगा, तो हमने ताज बनाया। इस तरह से हमें थोड़ा हैवी ज्वेलरी के साथ अपने राजा को दिखाना है, जिससे कि हमारे जो राजा बनाए हम वो अदर सारे लोगों से थोड़ा डिफरेंट उनका लुक लगना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा और ज्वेलरी से भरा हुआ दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने राजा का फेस बना लिया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। अब हम लोग एक फीमेल फेस बनाएंगे, जो कि रानी का फेस बनाएंगे। मैंने लिख रखा है ऊपर मोटिव में रानी का फेस, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। रानी है तो यहाँ पर भी हम लोग हैवी ज्वेलरी पहनाएंगे अपनी रानी को। तो इस तरह से मैंने आउटलाइन कर लिया है। अब हम लोग एक एक करके सब कुछ बनाएंगे। तो रानी है तो टीका, और मधुबनी स्टाइल है तो टीका और नथ हम लोग बनाते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। हमने नथ बना लिया है। इस तरह से हमें अपने जूड़ा पर वर्क करना है। अब हम लोग इसके बाद रानी के इयर रिंग्स पर और अदर जितने भी ज्वेलरी है उन पर एक एक करके वर्क करेंगे। तो इस तरह से अब हम लोग गला में एक चौड़ा सा हार बनाएंगे, जो कि काफ़ी भारी दिखने में लगे। तो इस तरह से हमें एक चौड़ा सा और सुंदर सा हार बना लेना है। आप देख सकते हैं कि मैं जितना भी जगह ज्वेलरी बना रही हूँ वहाँ पे मैं डबल लाइनिंग कर रही हूँ, तो आप भी डबल लाइनिंग डालें जिससे हमारा पेंटिंग और खूबसूरत लगे। और लास्ट में अभी मैं, आप देख सकते हैं कि मैं चुनरी के पार्ट को दिखा रही हूँ। अक्सर आप देखते होंगे कि मधुबनी पेंटिंग हम जब भी बनाते हैं, तो जब हम लोग किसी लेडी किसी औरत का जब फेस बनाते हैं, तो हम लोग उनके माथा पर आंचल डालते हैं। ये हमारे मिथिला की संस्कृति है, इसलिए हम लोग यहाँ आंचल को सर पर ही दिखाते हैं। इसलिए मैंने इस पेंटिंग में भी आंचल को सर पर डाला है। और आप देख सकते हैं कि हमने जो अपनी रानी को सजाया है, कितना सुंदर हमारा ये पेंटिंग दिख रहा है। ये फेस वाला पेंटिंग कितना सही दिख रहा है। तो अब राजा रानी का हमने फेस बना लिया। आपने देखा कि हमने कितना सारा चीज़ उसमें ऐड किया है। अब हम लोग जो बनाएंगे वो विलेज में रहने वाले, वो एक आम इंसान का फ़ोटो बनाएंगे, एक आम इंसान का फेस बनाएंगे, जो कि आपको देख के ही पता चलेगा कि राजा रानी से उनका फेस कितना अलग है और उनके सिंप्लिसिटी में ही उनकी खूबसूरती छुपी हुई होगी। आप देखिए मैं इन्हें बहुत सिंपल सा लुक दूंगी, पर इनकी सिंप्लिसिटी ही इनकी खूबसूरती को दर्शाएगी। तो इस तरह से मैंने बना लिया है। अब इसके बाद मैं फेस बनाने के बाद पगड़ी बना रही हूँ। पगड़ी में हमें इस तरह से डिज़ाइन करना है। तो देख सकते हैं
हमने यहाँ पर फेस बना लिया है और ये छोटा सा हम एक गला में लॉकेट बना देंगे। तो आप देख सकते हैं मेल वाला फेस कंप्लीट हो चुका है। अब एक प्रजा जो लेडी है उनका बनाएंगे सिंपल सा फेस। तो इस तरह से हम एक सिंपल सा आदमी और एक सिंपल सी औरत का फेस बनाएंगे। यहाँ पर आप एक और चीज़ गौर करिएगा कि मैंने राजा रानी का साइड फेस बनाया है और जो हमने प्रजा का जो दिखाया है या किसी नॉर्मल व्यक्ति का जो दिखाया है वहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा उनका मेकअप दिया है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक साइड फेस जो हमने राजा को दिया है, पर यहाँ पर हम फ्रंट फेस दिखा रहे हैं। तो आप चाहे तो कोई और भी पेंटिंग बनाए, तो इस तरह से आप साइड फेस और फ्रंट फेस का यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी पेंटिंग में, अगर आप मधुबनी स्टाइल में अपनी पेंटिंग को बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने सर पर आँचल डाला है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सर पर आँचल हम लोग क्यों डालते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और ये कितना अच्छा दिख रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।